गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और 11 बज चुके हैं, काम वगैरह हो गया, बस मुझे कपड़े धोने हैं। और आप लोग कैसे हो? जब मैं ऐसे पूछती हूँ ना, तो आप सच में मुझे बताया करो कमेंट में आप लोग कैसे हो, क्योंकि मैं सच में पूछती हूँ आप लोग कैसे हो। और अभी आज मैंने हेयर वॉश करा है, क्योंकि 2-3 दिन से नहीं करा था, तो आजकल बरसात में ना बहुत ऑयली ऑयली नहीं हो जाता है, इस वजह से। और मेरे बाल वैसे भी बहुत ऑयली हैं, तो इस वजह से वो करा है। और आज मैं बनाऊंगी राजमा, राजमा की दाल, क्योंकि तो हमने बहुत टाइम से राजमा की दाल नहीं बनाई है। बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि अब बच्चे हैं तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है राजमा, तो बनानी पड़ती है। मैं पहले सोच रही थी छोले बनाऊंगी, लेकिन छोले रात को भिगोना भूल गई थी। तो राजमा का तो ये कि सुबह सुबह भिगो दो तो फिर वो हो जाते हैं, तो राजमा बनेगी। मैं आपके शेयर करूँगी राजमा कैसे बनाती हूँ। वैसे सबको ही पता है कैसे बनाते हैं राजमा, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वो शेयर करूँगी आपके साथ। और मैं ना वीडियो बना रही हूँ, 2 दिन से लगातार वीडियोस बना रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, बट पता नहीं क्या हो गया, मेरा ना वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहे थे। मैं इतना परेशान हो गई थी ना, फिर मुझे दो या तीन लोगों के मुझे मैसेज आया कि आप वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। तो उस टाइम मेरा दिमाग और ख़राब हो गया कि सच में कोई वेट कर रहा है कि मतलब मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो उस टाइम पर मुझे सच में लगा कि मुझे वीडियो अब भी अपलोड करने कर रही हूँ वो फेल हो जा रहा है, ट्रांसफ़र फेल्ड बता रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत दिमाग लगाया। फिर अब मॉर्निंग में शायद 9 बजे या 8 बजे मेरा वीडियो गया है, और एकदम से तो व्यूज़ भी इतने अच्छे हैं, तो मुझे ऐसे लगा सच में लोग मेरे वीडियो का मतलब। मॉर्निंग में ही होता है ना कि हम मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ बच्चों के साथ, तो आप लोग भी तो बिज़ी रहते होंगे, लेकिन फिर भी आप मेरे वीडियोज़ देख रहे थे, तो इतना अच्छा लगा ना मुझे, यानी कि आप सच में मुझे मतलब मुझे अच्छा आप लोग मुझे अच्छा क्या बोल रहे मतलब कि मुझे मुझे पसंद कर रहे हो आप लोग। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे पसंद कर रहे हो आप लोग, इसलिए मेरे वीडियोस का वेट भी कर रहे हो और मेरे वीडियोस देख भी रहे हो, कमेंट भी इतने अच्छे अच्छे कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। इसलिए रात से और रात को तो मेरा यूट्यूब जो है वो ओपन रह गया, और मेरा पूरा नेट भी ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन से वाईफाई ऑन करा, फिर अपने फ़ोन में अपलोडिंग में लगाया। मगर इस बार नहीं हुआ तो फिर मैं जाऊँगी मोबाइल शॉप में, कहीं पूछ कर आऊँगी क्या हो गया मेरे फ़ोन में, तो लेकिन वो हो गया है, चले गया है, तो अब ठीक है। यहाँ तो आ रहा है, शायद कैमरे में जा रहा है, तो वो जा रहा है। और बस अब मुझे कपड़े कुपड़े धोने हैं, और आज धूप बहुत अच्छी निकली है, क्योंकि धूप नहीं आ रही थी बहुत दिनों से, लेकिन कल और आज बहुत अच्छी धूप आई है। थोड़ा हो जाता है ना मौसम सीला सीला सा भी जाता है, तो लेकिन धूप बहुत अच्छी आई है। ये हमारे पीछे जो क्यारी है वहाँ का है, तो थोड़े बेचारे पौधों को भी थोड़ा धूप मिल जाती है, क्योंकि ये ना ख़राब हो जाता है फूल वगैरह। हमारे इतने अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं ना, मैंने जो इससे पहले अपना वीडियो जो मैंने अपलोड करा है जो आ भी गया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, उसमें जो बाहर लगा रखे हैं ना कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और वो अभी इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि कोई भी और दूसरा फ्लावर वगैरह लगाओ तो वो रहते नहीं है बरसात में या फिर धूप में, वो जाते हैं। लेकिन जब विंटर्स आती है उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं हमारे यहाँ फूल, तो उस टाइम पे दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहना और अपना ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, क्योंकि जब कोई मतलब बोलता है ऐसे कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, या आपका वीडियो मैं आपकी वीडियो का वेट कर रही हूँ, तो उस टाइम पे लगता है यार सच्ची में मतलब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे ऐसी पसंद करिए। और प्लीज़ जो मुझे देख रहे हैं ना, एक सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं मम्मी को बताती हूँ, मम्मी अभी एक बड़ा है, मम्मी एक बड़ा है, और कभी तो 4-5 भी एक साथ बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेकिन जब मैं अपने व्यूज़ देखती हूँ, मैं सोचती हूँ इतने सारे लोग देख रहे हैं तो बटन दबाने में क्या हो गया इनको, तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियोस अच्छी ही मिलेंगी। जो नॉर्मल लाइफ रहती है मैं वही दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बनावटी कुछ बना के दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बनावटीपन है भी नहीं मेरे अंदर। तो यही है कि मम्मी और मैं जो भी दिखाएंगे रियल चीज़ दिखाएंगे जो हमारे घर में हो रही है, हमारे बच्चे हैं। और हस्बैंड का तो यह है कि हस्बैंड मैंने आपको बता दिया पहले, वो वीडियो पे आने के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उनको बिल्कुल अच्छा ही लगता है वीडियो पे आना, तो मैं उनको नहीं सच्ची मैं फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि तुम कर लो, तो फिर मैं उनको बार बार क्यों बोलूँ कि तुम मेरे वीडियो पे आओ ना। तो वैसे ही वीडियो मैंने अपने लिए खोला है, उनके लिए नहीं खोला है कि तुम मेरे वीडियो पे आओगे, जब उनका मन होगा तब वो खुद आएंगे, मैं नहीं फोर्स करूँगी, उनको पता चल रहा जो मेरे जो वीडियोज आ रहे हो भी आना बंद हो जाए कि तुम जिद कर रही हो, तो मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ बस। और अब मैं कपड़े धोने जाती हूँ,
और जब कैमरा ऑन होता है ना, मैं ध्यान से उतर जाता है, मैं सोचती हूँ बात पहले कि ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मुझे आप लोग, क्योंकि अगर कोई कमेंट करे, कुछ पूछे या अपने बारे में कुछ बताए तो होता है ना मैं उस बारे में बात करूं। तो अभी तो ब्लॉगिंग तो यही होती है, अपने बारे में बताना ही होता है। तो अभी बस कपड़े कुपड़े धोने हैं मुझे, बाकी काम हो चुका है। दाल चढ़ाऊँगी फटाफट से, बेटी को लेने जाऊँगी, बस यही है। और मम्मी से अभी मैं आपको मिलाती हूँ, मम्मी उधर कमरे में, मैं अपने कमरे में हूँ, ठीक है। 5:30 मैंने बोल दिया है, क्योंकि इतना मेरे से बोला जाता नहीं क्या बोलो, लेकिन कभी होता है कि चलो मन करता है तो बोल देते हैं ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, प्लीज़। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अभी कपड़े कुपड़े सब धुल चुके हैं और मम्मी बैठी हुई है, मम्मी अपना ही वीडियो देख रही है, क्योंकि मम्मी बोल रही है बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, मज़ा आ रही है अपना वीडियो देख अपने वीडियो सबको अच्छा लगता है, तो मम्मी वही देख रही है अपने वीडियो देख रही है दूसरों के भी देखते हैं, लेकिन अभी जो अपना स्टार्ट करा तो मम्मी अपना वीडियो भी देख रही है, ये कोई गलत तो नहीं बोल रहे। हाँ, मतलब मम्मी देख रही है कि हमने क्या बोला है और कुछ गलत तो नहीं मुँह से निकल गया है, लेकिन मम्मी बोल रही है मज़ा आ गया अच्छा वीडियो बन रहा है, तो वही वीडियो देख रहे हैं। आप पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मम्मी बोल रहे अच्छा देखने। हाँ, मम्मी बोल रहे जब देखते हो ना, देख मतलब स्टार्ट होने से पहले लाइक दबा दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, आगे तब वीडियो देखा करो, ठीक है, पसंद आ रही है। हाँ, मतलब मम्मी को भी लग रहा है कि मुझे मम्मी देख रही, मम्मी को अच्छे लग रहे, मम्मी बोल रही शायद हम अच्छा बना रहे हैं, तो प्लीज पहले लाइक दबाया करो, सब्सक्राइब करा करो, उसके बाद वीडियो देखा करो। तो मम्मी वीडियो देख रही है आज हमारा कैंडल दिखा देती हूँ, आज अभी चलाई वीडियो, हमने अभी देख रहे हैं। हाँ, बता दिया मैंने। और ये हमारा कैंडी, हमारा कैंडी सो रहा है, कैनो कैनो, और इसने ये ना पूरा पूरा फाड़ दिया, ये कल इसको नया बिछा कर दिया, इसने पूरा काम कर दिया इसका, इसको मार पड़ी आज, मार पड़ी मेरे बाबू को मार पड़ी, तब से नहीं फाड़ रहा, जब से मार पड़ी ना, तो मार पड़ते नहीं ना। आई अच्छा अच्छा, कैंडी शेक हैंड, कैंडी शेक हैंड, गुड गुड मेरा कैंडी, गुड गुड, कमजोर हो गया कैंडी, बाल झड़ गया पूरे कैंडी के, खाना भी नहीं खाता ना ये ढंग से, हो जा। तो ये हमारा कैंडी है, और अब चलते हैं किचन में, मैं दाल चढ़ा देती हूँ। तो किचन में आ गई हूँ और दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर दाल को बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ मैं। ट्राईपॉड लगा तो भूल गई इधर, एक मिनट हो, मैं ट्राईपॉड लेकर आती हूँ, उसमें कर दूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बॉईल कर, दिखाना क्या है, दाल बॉईल कर रही हूँ, ठीक है, अभी मिलती हूँ। तो ये दाल मैंने, दिख रहा है नहीं, ये रहा, ये दाल मैंने भिगो दी थी, सुबह भी हुई थी, तो अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से भीग चुकी है, तो अच्छे से पक जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको बॉईल कर देती हूँ, तो दाल मैंने धोकर तभी भी हुई थी, तो मैं अब इसको दोबारा नहीं धोऊंगी, ऐसे इसको उबाल दूंगी। गैस पे चढ़ा दिया, और इसमें डाल दूंगी थोड़ा नमक मैं, और नमक डालूंगी साथ में, इसमें 2-3 मैं लौंग डाल दूंगी, और बड़ी इलायची शायद से ख़त्म है, फिर भी देखती हूँ, अगर एक मिल जाए तो वो डाल दूंगी मैं, बाद में नहीं डालती हूँ, इसमें डाल देती हूँ तो खुशबू अच्छी आ जाती है इस वजह से। बड़ी इलायची नहीं है, तो फिर जब मैं दाल छौंकूंगी उस टाइम पे मैं तेज पत्ता डाल दूंगी, इससे भी अच्छी खुशबू आ जाती है, ठीक है। तो लौंग डाल देती हूँ इसमें, तो इलायची मुझे मिल गई है अंदर, एक पॉलीथीन है जिसमें तेज पत्ता है,
तो उसमें इलायची रखी हुई थी तो इलायची भी इसमें डाल देती हूँ। दालचीनी मुझे मिल गई है, दालचीनी का पाउडर भी है, एक दालचीनी डाल दूँगी, बाद में इसको हटा दूँगी, कहीं पर किसी के मुँह पर ना आ जाए ना, तो इसको हटा दूँगी। और मैं ना लौंग ढूँढ रही हूँ, लौंग नहीं मिल रही है, तो लौंग कहाँ रखी है देखती हूँ। तो लौंग भी मिल गई है, लौंग भी डाल रही हूँ इसमें मैं, तीन लौंग बहुत होंगी वो डाल देती हूँ, क्योंकि अब एक नीचे गिर गई। और इलायची, और इलायची को थोड़ा मैं इसको डबू कर देती हूँ, तो इसमें डाल दूँगी पीस के थोड़ा सा। तो इलायची मैंने कूट दी है और दालचीनी डाल दूँगी, बस हो गया, अब इसको उबलने दूँगी। जब तक ये उबलती तब तक मैं प्याज वगैरह काट के मसाला तैयार कर देती हूँ, तो जल्दी बन जाएगा और फिर बेटी को भी चल जाऊँगी स्कूल, ठीक है। तो वैसे सबको पता है राजमा कैसे बनती है, लेकिन अब ब्लॉग कर रहा है तो उसमें बताऊँगी ना मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ राजमा मैं कैसे बनाती हूँ वो आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल दूँगी ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं एक तेज़ पत्ता डाल दूँगी, और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी हींग। हींग इसलिए डाली है ताकि जो राजमा है थोड़ा हैवी हो जाता है तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और जीरा मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लूँगी, और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। तो प्याज मैंने इसमें दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जो मैंने मतलब ठीक ठीक, बहुत बारीक भी नहीं काटे हैं, ठीक ठीक काटे हैं। तो अच्छे से इसको मैं भून लूँगी प्याज को, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं जाता है, हल्का ब्राउनिश नहीं हो जाता है, तब तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर मेरे जो मैंने देखी थी दाल, वो दाल भी अच्छे से गल चुकी थी, तो मैंने एक साइड उसको रख दिया था। तब तक मैं यहाँ पर अपने मसाले डाल दूँगी। तो मसालों में मैं डालूंगी हल्दी, धनिया और नमक, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि दाल में मैंने पहले भी नमक डाला था। तो और मिर्च भी बहुत कम डालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्च में मिर्च वाला खाते नहीं है, और राजमा उनकी फेवरेट है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता अगर मैं इसमें ज़्यादा मिर्च डाल देती। तो मिर्च मैंने बहुत कम डाली है, और अच्छे से इसको भून लूँगी मैं। और इसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें टमाटर, जो मैंने प्योरी बनाया था, तो इसमें टमाटर का प्योरी डाल दिया है मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले से थोड़ा सा खुशबू अच्छी आ जाती है ना, तो हल्का सा गरम मसाला डालूंगी मैं इसमें, आधा चम्मच के बराबर। तो ये मैंने गरम मसाला डाल दिया है इसमें, और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और इसको ढक कर रख दूँगी मैं, जब तक कि इसमें से ऑयल जो है साइड में से, मतलब मसाला जो है अच्छे से भुनने जाता, तब तक मैं इसको भूनूँगी ढक कर। तो यहाँ पर मेरा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका था, और दाल मैंने डाल दी थी, वो मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे बात करने लगी थी, बात करते करते ही मैंने इसमें दाल डाल दी, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो बस वो हो गया था, और दाल मैंने डाल दी थी। और अब ये बॉयल हो चुकी है दाल, और अच्छे से बॉयल होने के बाद मैं कर दूँगी गैस को ऑफ, और एक साइड पर मैं चढ़ा लूँगी अपने चावल। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ाने रख दिए हैं, और दाल मेरी रेडी हो चुकी है। दाल बन चुकी है और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और पौने एक बज चुके हैं, अब मुझे जाना अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए। तो अब मैं जाऊँगी, आज बहुत गर्म हो रहा है, धूप बहुत तेज़ है, गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपनी बेटी को लेकर, और बाहर ना बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब ऐसा लग रहा चक्कर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर। तो मुझे कुछ इसकी मैम से, कल से इसके टेस्ट हैं, तो मुझे कुछ पूछना भी था, ओरल का पूछना था कि क्या क्या ओरल में आएगा, तो वो पूछना था। और इनके बॉक्सेस वगैरह भी पुराने हो गए थे, वो बॉक्स लेने थे मुझे, तो बॉक्स लेकर आई हूँ। और एक काम और था, वो भूल चुकी हूँ मैं, जो मुझे अभी याद आया है, एक काम और था, वो ध्यान से उतर गया है। तो अब कल दोबारा जाऊँगी उस काम के लिए। और खाना खुना सब बन गया है, बेटी आ गई है मेरी, और वो अपने बैग, वो बॉक्स में बिल्कुल मस्त हो गई है, खुश हो गई है, मेरा नया बॉक्स आया है। तो और अब खाना लगाऊंगी, 1:30 बज चुके हैं, तो खाना लगाऊंगी, खाना खाएंगे, उसके बाद मिलूंगी आपसे। तो खाना, टाइम हो भी गया है खाने का, क्योंकि तो अब थोड़ा इसका पढ़ाई का भी हो जाएगा, सीटी निकल चुकी है, अब इसकी पढ़ाई का भी थोड़ा सा मुझे ना पढ़ाई करवानी पड़ेगी इसको। अभी 4-5 है इसके हैं जो टेस्ट होंगे, तो 2-3 तो इसके ओरल ही हैं, और बाकी इसके 3 इसके वो जाएंगे, रिटर्न टेस्ट हो जाएंगे, वो हैं बस, वो देखिए
फिर वीडियो जो है मेरे हैं ना वो थोड़ा सा वैसे आएंगे, रुक रुक के आ सकते हैं शायद से, क्योंकि फिर होता है ना बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बीच में ब्लॉगिंग तो मैं नहीं कर सकती हूँ ना, तो जो मेरे पुराने वीडियो जो मैंने अभी शूट करके रखे हुए हैं ना तो वो आपको मिल जाएंगे। एक ये हो गया, एक और मेरा कल का है, और आज जो है वो मैं दूसरा डाल देती, लेकिन ये परसों का ही मैंने आज सुबह डाला है जो बड़ी मुश्किल से गया है, तो कल डाल दूँगी जो कल शूट करा था और आज का उसके बाद डाल दूँगी। तो थोड़ा सा वैसे तो इसको आता है पढ़ाना, इतना वो भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ये रिवीजन करवा दूँगी, तो वैसे स्कूल में भी इसके रिवीजन हो चुका है, थोड़ा और रिवीजन करवा दूँगी तो बच्चे का थोड़ा ढंग से आ जाता है ना इस वजह से। तो बस अब खाना खाएँगे और आप लोग बताइए, आप लोगों का खाना भी इस टाइम पे हो गया होगा। और यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, इधर बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी बाहर, तो मतलब ये ना कपड़े सुखाने वाली धूप आ रही थी बहुत अच्छी, मतलब जैसे किसी के रहता है ना कपड़े वगैरह जो बरसात में सिल जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है धूप लगाने के लिए। तो अभी हम इतना तो मुझे टाइम नहीं लगा है कि मैं निकाल के धूप लगाऊँ, तो जो धोए कपड़े हैं वो शायद सूख भी गए होंगे, मुझे याद आया, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि कपड़ों का कलर ही फेड कर देगा, तो वो वाले लाने हैं मुझे अभी, छत में से लेकर आती हूँ वो कपड़े, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो जो इससे पहले आपने मेरा जो अभी वीडियो देखा है ना उसके आगे भी और भी दो वीडियोज और थे छोटे छोटे जो मम्मी के साथ मैंने बनाए थे और बहुत प्यारे बने थे, लेकिन वो पता नहीं गलती से मेरी बेटी से डिलीट हो चुका है, तो मैंने कहा फिर वो आधा रह जाता, तो मैंने कहा आपको बता देती हूँ कि वो जो वीडियो था वो कंटिन्यू नहीं हो पाया है। और मैं जब एडिटिंग करने लगी तब मुझे दिखा कि उसमें वीडियो था ही नहीं, मैं पूरा ढूंढा पर वीडियो मुझे कहीं नहीं मिला, तो फिर मैंने अपनी बेटी से सुबह पूछा कि बेटा आपने डिलीट करा है तो बता दो, तो पहले तो मना कर रही थी, नहीं मम्मी मैंने डिलीट नहीं करा है, मैंने कहा देखो अगर करा है तो बता दो मैं कुछ नहीं कहूँगी, तो फिर उसको लगा कि मम्मी कुछ नहीं कहेगी, तो फिर उसने बोला मम्मी वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया है, तो फिर मैंने उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं उसको डांट देती तो वो अगली बार से फिर सच नहीं बोलती, तो मुझे लगा डांटना बेकार है, वीडियो ही था, वीडियो तो अब बना ही रहे हैं और वीडियो ही था वो, ऐसे कुछ बड़ी चीज़ भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने अभी आपको मैं सोच रही थी कि एक बार बता देती हूँ कि इसके आगे कंटिन्यू वीडियो नहीं हो पाया है वो, तो बताने के लिए मैंने आपको अभी एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ अपना कि वो लेकिन वीडियो बहुत अच्छा था, उसमें मम्मी की बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, तो अब बहुत लेट हो चुका है इस वजह से मम्मी से बात नहीं हो पाएगी, तो अभी कल से फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है मेरी, क्योंकि तो बेटी की 2-3 दिन की छुट्टी है, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग तो मैं बना ही सकती हूँ, तो वो कल से ब्लॉगिंग स्टार्ट होएगी। और बस ये बताने के लिए आपको मैंने एक छोटा सा अपना ये वीडियो कराया कि मेरा जो वीडियो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, ये ना लगे कि वो अधूरा सा लगे, तो इसलिए बताने के लिए ये एक छोटा सा मैसेज था मेरा कि वो वीडियो पता नहीं भाई बेटी से गलती से हो गया है, उसने जानबूझ के करा है, ये जैसे भी करा है गलती से कर हो गया है उससे, तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि वीडियो ये है ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं कल से मेरे ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।